बिहार बंगाल से यूपी तक यास से पानी पानी, जाने अगले 3 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें और देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जान लेते हैं क्या है आज की रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान यास का असर बंगाल, उड़ीसा से लेकर अब बिहार, यूपी समेत देश के कई इलाकों में दिख रहा है। यास तूफान की वजह से मौसम ने ऐसी करवट ली है कि बंगाल से लेकर बिहार, यूपी तक पानी पानी हो गया है। बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद अब बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और यास अपना विकराल रूप दिख रहा है। बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिमी बंगाल और यूपी तक ज्यादातर इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है कि अभी सावन भादों का महीना हो। यास की वजह से जनजीवन की पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश के बिहार ज्यादातर इलाकों में बीते 24 घंटे से बिजली गुल है। चक्रवात यास की वजह से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी में कई जिलों में बीते 24 घंटे से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। उड़ीसा और बंगाल में तबाही मचाने के बाद यास भले ही झारखंड, बिहार में आकर कमजोर पड़ चुका हो, मगर इसका असर मौसम पर दिख रहा है। बिहार में तेज हवाओं और साथ ही बारिश में आम, लीची और फसलों की काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल राहत संकेत नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बिहार और इससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी और एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। इतना ही नहीं, बिहार में दक्षिण और पूर्वी ठंड का गिरने की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 से 48 घंटों के मध्य बिहार में कुछ जगहों पर ठंड का गिरने की आशंका है। बारिश, सड़कों पर पानी भर गया है और जगह जगह जलभराव हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि राज्य भर में हल्की और मध्यम तीव्रता से बारिश अगले 2 दिनों तक होने की वजह से कुछ जगहों पर जल जमाव या बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। उन्होंने कहा है कि चूंकि चक्रवाती सिस्टम अब कम दबाव के क्षेत्र में रूप में बदल गया है, इस वजह से मौसम की तीव्रता में कमी हो गई है। यानी पहले किए गए पूर्वानुमान के बारिश और हवा की गति सूबे में दिखेगी। वहीं आपको बताते चले अगले 3 दिनों में कैसा रहेगा मौसम। 29 मई का मौसम, बिहार, केरल और अंडमान निकोबार में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत देश के कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। 30 मई का मौसम, असम, मेघालय, केरल और भारी बारिश होगी। हालांकि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा आदि राज्यों में आंधी की संभावना व्यक्त की गई है। इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। 31 मई का मौसम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसी दौरान हवा की रफ्तार भी तेज होगी। उम्मीद करते हैं दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।